हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे चीजों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, कैसा फील कर रहे हैं वो, क्या है उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए, हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिए और देखते हैं कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर। और याद रखिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। ओके, और अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या करंट फीलिंग है मेरे व्यूअर के पार्टनर की। न्यू लाइफ, ओके, यहां पर है हेयर एंड नाउ, यहां पर है ब्लेस्ड, नॉट फॉर यू, ओके, यहां पर है सेरेपिटिनिटी। चलो यहां से ले लेते हैं एक और, को क्रिएट, ओके, बॉटम से देख लेते हैं, अ लैक अप। ठीक है, तो मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूंगी टैरोट कार्ड से। ठीक है, फिर मैं आपको एनर्जीज बताऊंगी, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जीज में दिख रहा है कि ये आपके साथ एक न्यू स्टार्टिंग चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, मैं डेस्परेटली इनकी एनर्जीज में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये दिख रहा है। ठीक है, पर हम क्लेरिफाई करके देखते हैं, ताकि मैं आपको क्लियर मैसेजेस दे सकूं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहां पर न्यू लाइफ का कार्ड क्यों है, यहां पर न्यू लाइफ का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे यहां पर दिख रहा है आपके पार्टनर किसी पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। ठीक है, किसी ने तो यहां पर पॉलिटिक्स की है, मतलब इनका ब्रेन वॉश किया है, इनको मैनिपुलेट किया है जिस चीज का ये शिकार हुए हैं, और एक जाल सा बिछा दिया। अब ये अकेला पड़ चुके हैं, जहां पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने, जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता, ये कनेक्शन बने, रिश्ता फले फूले, तो उन लोगों ने ना एक जाल बिछाया, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करा, एक मास्क लगाया, इनके हितेशी बने, और मन में चोर था और सामने इनकी वाई वाई करते थे, तो इनको वो चीजें अच्छी लगती थी। इनको ऐसा लग रहा था कि ये मेरा हितैषी है, ये अच्छा इंसान है, इनको ऐसा फील हो रहा था। तो मुझे दिख रहा है कि उन लोगों ने ना आपसे दूर करने के बाद इनको अकेला छोड़ दिया, अकेले पड़ चुके हैं आपके पार्टनर और फंस चुके हैं। इनको रातों को नींद भी नहीं आती, ये बस इतने डिप्रेस्ड मुझे दिख रहे हैं ना, मतलब इनको ये प्रे करते रहते हैं गॉड से कि क्या कुछ तो सही करो, मेरी लाइफ में दोबारा से एक सेकंड चांस दे दो, उसको बुला दो और चीजें सही करवा दो। मतलब आपके साथ ना चीजें सही करने की उम्मीद मैं देख रही हूं, चाहते हैं ये, क्योंकि रात भर इनको नींद नहीं आती है, रोते रहते हैं, परेशान हैं। कुछ लोग यहां पर मुझे ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, एक इंसान भी होता है, हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बेसिकली इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अकेला पड़ चुके हैं और अकेलेपन में इन्हें कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर हाँ, न्यू लाइफ चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। 10 सन का कार्ड है, हार्मनी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं। अब ये अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं आपके साथ। लिटरली मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ आपके पार्टनर की। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर हेयर एंड नाउ का कार्ड क्यों है, हेयर एंड नाउ का कार्ड क्यों है, हेयर एंड नाउ का कार्ड क्यों है, द वर्ल्ड, ओके, बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे दिख रहा है कि इनका करंटली, मुझे दिख रहा है इनका दिल टूटा है,
इनका दिल तोड़ दिया है किसी ने, दिल के जैसे मानो टुकड़े टुकड़े कर दिए हो। ये बहुत पेन में है, बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से भी यही दिख रहा था, और बॉटम से भी निकल के आया है थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किसी थर्ड पर्सन, कोई आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो सकता है, या हो सकता है जिनकी बात इन्होंने मानी, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, आपको सेपरेट कर दिया। कोई तो ऐसा है नेगेटिव इंसान जिसने आप दोनों को मतलब दूर कर दिया है, और ये उनकी बातों में आए। इनको बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम उनकी बातों में आना, पर करंटली मैं देख रही हूं आपके बारे में सोचते हुए, आपको मिस करते हुए, आप ये याद कर रहे हैं आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे थे, आपने कितना कुछ किया है इनके लिए। पर ये देख रहे हैं ना कि अब आप भी कहीं ना कहीं बदल रहे हो, आपको भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बहुत कर चुके हैं आप इस रिश्ते में, आप थक चुके हो, अब परेशान हो चुके हो, अब आपने मान लो लेट गो कर दिया हो, सरेंडर कर दिया हो, ऐसा मैं एनर्जीज देख रही हूँ। और इनकी एनर्जीज है ना, जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, फिजिकल डिस्टेंस है या मेंटल डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस आया है, जो भी दूरियां आई हैं, उनको कम करना चाहते हैं। और ऐसा दिख रहा है कि अभी इसी वक्त ये चीजें सही कर देने चाहते हैं, और आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। देखो ये इनके थॉट्स में है, सोचना और करने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, पर यहां पर मुझे दिख रहा है कि ये सोच तो फॉर श्योर आपके लिए सोच रहे हैं कि अभी इसी वक्त मुझे चीजें सही करनी है, ना पास्ट के साथ जाना है ना फ्यूचर का सोचना है, मुझे बस चीजें सही करनी है। ये ना पास्ट सोच रहे हैं कि कैसे क्या गलत किया है, ना फ्यूचर सोच रहे हैं, इनको बस अब आपके साथ रिश्ता सही करना है। इन्होंने जैसे मान लो ये सोच लिया है, मन बना लिया है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है, यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। अगेन थ्री ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से अगेन फाइव ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स का की एनर्जीज निकल के आई है। तो मुझे दिख रहा है कि ये इतना टूटा हुआ दिल फील कर रहे हैं ना, इतना टूटा बिखरा हुआ फील कर रहे हैं, इतना गंदा फील कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी दुनिया जैसे उजड़ गई हो, ऐसा फील हो रहा है। और मुझे दिख रहा है कि इनको ये ना कंपेयर कर रहे हैं, जब आप थे इनके साथ तो चीजें कितनी अच्छी थी, कितनी सुकून था, सब चीजें, इनको मतलब टेंशन नहीं होती थी, ये परेशान नहीं होते थे, क्योंकि आप इनको एक अच्छी गाइडेंस देते थे, अच्छी राय देते थे, समझाते थे, चीजें सही करने के लिए बोलते थे। तो ये चीजें इनको फील हो रही है, जब आप थे तो सब कुछ आप इनको इतना सपोर्ट करते थे, समझाते थे, तो चीजें कितनी सही थी, और वही चीजें सही करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी ब्लेसिंग्स हो, यानी कि आप ब्लेस्ड हो, आप थे तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, ब्लेस्ड थी, चीजें इनके काम बनते थे, चीजें इनके साथ अच्छी होती थी, पर जब से आप नहीं हो तब से ये परेशान है, इनकी लाइफ में सब कुछ खराब ही चल रहा है तब से। तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, दौड़कर भागकर जैसे मानो चीजें सही करना चाहते हो, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो, पर सोचने में और करने में फर्क होता है ना, क्योंकि सोच रहे हैं ये, इनकी एनर्जीज में है ये सोच, पर कर नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना, आपका दिल तोड़ना, आपके साथ चीट करना, आपको मैनिपुलेट करना, आपके दिल के भी टुकड़े किए हैं इन्होंने, तो अब इनके दिल के टुकड़े हो रहे हैं, तो ये फील कर पा रहे हैं। और चीजें सोचने से हो जाए वो तो होता नहीं है, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है, सिक्स ऑफ कप्स। ये इनको ऐसा लग रहा है ना, ये आपको प्यार नहीं दे पाए, जो आप डिजर्व करते थे ना, केयर, प्यार, लव, ये नहीं दे पाए, आपके साथ नहीं कर पाए जस्टिस, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस ही किया। तो पुरानी चीजें ये याद कर रहे हैं कि आपने लेकिन इनके लिए कितना कुछ किया है, जब आप दोनों साथ में थे पहला, जब टाइम, जब आप दोनों का एक स्ट्रांग बॉन्ड था, एक दोनों एक साथ इतने खुश थे, वो समय कितना अच्छा था, वो टाइम कितना अच्छा था, मतलब पहली मीटिंग, फर्स्ट टाइम जो चीजें थी, पहली बार जब इन्होंने आपको देखा था, और चीजें आप दोनों के बीच में हुई थी जब, या आपको प्रपोज किया था, या आपके साथ इनकी शादी हुई थी, तो वो टाइम कितना अच्छा था, ऐसा ये सोचते हुए फील करते हुए मैं देख रही हूं इन्हें, ठीक है। तो करंटली बहुत लो एनर्जीज में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, ये समझ रहे हैं कि मेरी गलतियों की वजह से, जो मैंने हरकतें करी है ना, उस वजह से कितनी
कितना गलत कुछ हो गया है, मैंने उसको अपने से दूर कर लिया, ऐसा ये फील कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सेरेपिटिनिटी का कार्ड क्यों है, सेरेपिटिनिटी का कार्ड क्यों है? द टावर, ब्रेकअप, सेपरेशन अचानक से आया है आपके कनेक्शन में, अचानक से, मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये आपको छोड़ देंगे, पर हाँ छोड़ा है, और वो इसीलिए क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा कर सकते हैं आपके साथ, इन्होंने किया है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अपनी इमेच्योरिटी की वजह से, अपने चाइल्डलाइक बिहेवियर की वजह से, अपने बचकाना हरकतों की वजह से इन्होंने आपको डिच कर दिया, आपको अनएक्सपेक्टेड छोड़ दिया। इन्होंने देखा ना, इनके पास काफी ऑप्शंस रहे थे पास्ट में, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, काफी ऑप्शंस इन्होंने देखे, ये समझ नहीं पा रहे थे मैं किसको चूज करूं, यहां भी बात करते थे, वहां भी बात करते थे, आपसे छुपाते थे और आपको टाइम नहीं देते थे, वो केयर नहीं देते थे, यहां वहां लगे रहते थे। ये लिटरली इन्होंने आपका जो दिल तोड़ा है ना, अब इनका दिल टूटा है, अब इनको पता चल रहा है कि जो इन्होंने किया ना वो कितना गलत था। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर को क्रिएट का कार्ड क्यों है, यहाँ पर पूरा को क्रिएट का कार्ड क्यों है? द फूल, तो ये ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब, पहले तो क्या था, ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, थोड़ा डरते थे, कहीं ना कहीं इनके अंदर हिम्मत आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है और आपके लिए ना ये स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए खड़े होना चाहते हैं ताकि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सके अपने अंदर, क्योंकि इनको डर है अब आपकी तरफ कैसे बढ़ेंगे। बॉटम्स है नाइट ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स, तो ये कैसे बढ़ेंगे आपके साथ, नहीं बढ़ पाएंगे ना, तो क्योंकि इन्होंने इतना गलत किया आपके साथ, तो मुझे दिख रहा है कि इनको डर है कि मैं कैसे, ये आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं, पर डर है कि खो ना दूं, पर अब हिम्मत ला रहे हैं कि मुझे चीजें सही करनी है और मुझे उसे खोना नहीं है, मुझे उसे अपनी लाइफ में दोबारा चाहिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड है, हैप्पीनेस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि चीजें सही हो पाए आप दोनों के बीच में, एक हैप्पी फैमिली हो, ये आपसे शादी कर पाए या जो भी आपका अगर शादीशुदा जीवन है उसको सही कर पाए, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर आ लेगअप का कार्ड क्यों है, आ लेगअप का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ कप्स, मेरे मुंह से नाइट ऑफ वॉन्स, उस समय नाइट ऑफ वॉन्स निकला था तो कप ही निकला, तो वाकई में नाइट ऑफ कप का कार्ड आ गया है। यस, अब ना ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोजल आते हुए दिख रहा है। एट ऑफ वॉन्स, वाओ, नाइट ऑफ वॉन्स, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से आपको प्रपोजल, कमिटमेंट, चीजें सही होती हुई दिख रही हैं और कम्युनिकेशन दिख रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन, ताकि ये भी हैप्पी रहें और आप भी हैप्पी रहो, ऐसा मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ इनकी एनर्जीज में। ये अब चीजें ना सही करना चाहते हैं, बहुत हो गई दूरियां, बहुत हो गई दिक्कतें, बहुत हो गया प्रॉब्लम्स, हर चीज बहुत हो गई, अब ये कह रहे हैं कि मैं थक चुका हूं या थक चुकी हूं, बस अब मुझे उसके साथ चीजें सही करनी है, डेस्परेटली कमिटमेंट देना है और क्लियर कम्युनिकेशन, बात करना चाहते हैं आपसे कि तुम क्या चाहती हो या तुम क्या चाहते हो, तुम क्या मेरे साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे। इनको ऐसा भी रियलाइज होता है कि काश पास्ट में मैंने ये चीजें नहीं की होती, काश मैं भटका नहीं होता या भटकी नहीं होती, या मैंने ये गलतियां नहीं करी होती, अपने चाइल्ड लाइक बिहेवियर की वजह से या बचकाना हरकतों की वजह से मैंने गलती ना की होती। उस समय तो इन्होंने रियलाइज नहीं किया, आपका दिल तोड़ा तो इनका भी दिल टूटा, इनका भी दिल टूटा है, आपका दिल तोड़ के ये खुश नहीं है, ये अकेले हैं, इनकी एनर्जीज में अकेलापन, टेंशन, मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन, और ये हाई वाइब्रेशन होती है जब ये आपके साथ होते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर से आपको कॉल, मैसेज, और मुझे ऐसा दिख रहा है रीयूनियन होते हुए, रिकंसलेशन आप लोग का बहुत जल्दी होगा गाइस, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, अपने माइंड को पॉजिटिव कर लीजिए। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। अगर रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज़।